दोस्तों समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर कॉडी रोड से बुरी तरीके से हारने के बाद द बीस्ट अब सीधा रॉयल रंबल में अपना वापसी करेंगे। जैसा कि आप सभी ने इस साल के समर स्लैम के एपिसोड में देखा कि कैसे ब्रॉक लेसनर कॉडी रोड से बुरी तरीके से हारे और इसी के साथ ही इन दोनों के बीच चल रही फ्यूड की भी एंड हो गई और मैच के खत्म होने के बाद ब्रॉक लेसनर अपना फेस टर्न करते हुए कॉडी रोड को एक सम्मान देकर गले से लगाया था और अब ब्रॉक लेसनर WWE में काफी दिनों तक नजर नहीं आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ब्रॉक लेसनर अब सीधा रॉयल रंबल में ही अपना वापसी करते हुए दिखाई देंगे, जिसके बाद WWE के अनुसार से द बीस्ट की अगली स्टोरी लाइन गुंथर के खिलाफ कर दिया जाएगा, क्योंकि पिछले बार रॉयल रंबल में गुंथर ब्रॉक लेसनर का सामना करते हुए दिखाई दिए थे, तो काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ब्रॉक लेसनर का अगला रिटर्न होने के बाद WWE गुंथर की स्टोरी लाइन ब्रॉक लेसनर के खिलाफ कर देगी।